अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके? कैसे हैं? ठीक ठाक, खुश रहें, आबाद रहें और अपने अपने घरों में हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो जी, डिनर का टाइम हो गया था तो मैंने सोचा कि एक तो इतना मुश्किल ये काम होता है ना कि सोचना कि बंदा बनाए तो बनाए क्या। रात को रोज़ बहुत मुश्किल ये काम मुझे करता है कि सोचें कि आज क्या बनाना है, आज क्या बनाना है। तो मैंने सोचा, मुझे ना बोनलेस चिकन जो है ना फिर मैं बड़ी में मिल गई थी, मैंने सोचा कि चलो आज टिक्का मलाई बोटी बना लेते हैं, क्योंकि घर में सभी जो है ना शौक से खा लेते हैं, बच्चे भी खा लेते हैं और जो है ना वो बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, बड़े भी शौक से खा लेते हैं, पता है। और हर कोई जो है ना वो शौक से खा लेते हैं, हस्बैंड को बहुत पसंद है मलाई टिक्का बोटी। तो फिर मैंने जो है ना मलाई टिक्का बोटी जो है ना वो मैंने कहा मैं वो बना लेती हूँ। मैंने कहा कि चलो आप लोगों से अपनी रेसिपी शेयर कर लेती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि तमाम सिस्टर्स जो हैं जो देख रही हैं उनको अपनी कुकिंग तो अच्छे से आती ही होगी और उनको ये रेसिपी भी पता होगी, पर मैं अपने स्टाइल से बता दें कि मैं किस तरह बनाती हूँ। तो जो है ना मैंने कहा चलो मैं आपसे ये रेसिपी भी शेयर कर लेती हूँ, डिनर भी हो जाएगा और आप लोगों से रेसिपी शेयर भी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो है ना चिकन जो बोनलेस मैंने तकरीबन जो है ना 2 kg चिकन थी मेरे पास, बोनलेस पड़ी हुई थी और तकरीबन इस साइज़ के मेरे पीसेस थे ना सारे के सारे। तो आप चाहें तो आप बड़े भी कर सकते हैं, ऐसे छोटे भी कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। तो मैंने इसको सबसे पहले जो है मैंने इसको कहा मैं थोड़ा मैरिनेट कर लूँ, मैंने इससे 2 tablespoon लहसुन कर के ऐड की। उसके बाद मैंने इसके अंदर कुटी हुई हरी मिर्च, जो कि मैंने तकरीबन 8 या 10 हरी मिर्चें थी जिन्हें मैंने चॉप कर लिया था ना, वो मैंने कुटी हुई हरी मिर्च इसमें ऐड कर लिया, क्योंकि इसमें जो मलाई टिक्का बोटी है ना इसमें अभी रेड मिर्च तो डलती नहीं है, लाल मिर्च इसमें सिर्फ हरी मिर्च और ब्लैक पेपर ही डलती है। तो इस वजह से जिसकी जिस मतलब जो जितने स्पाइसेस लवर्स हैं जिसके घर जितनी स्पाइसेस यूज़ होती हैं वो अपने हिसाब से उसकी कॉन्सिस्टेंसी में तो कम या ज़्यादा कर सकता है, मुझे इतनी अपने हिसाब से सही लग रही थी तो इस वजह से मैंने जो है ना इतनी मिर्चें डाल ली हैं। तो अगर कम खाता है तो भले 6-7 मिर्चें चॉप कर लें वो भी सही है। थोड़ा समय पर धनिया पड़ा हुआ था, मैंने कहा मैं वो भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि उसके अंदर हरा धनिया भी काफ़ी सारा जो है ना मैरिनेशन में ऐड होता है, प्रोसेस का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। देन उसके बाद मेरे पास ये कुछ कुटे हुए मसाले मौजूद थे, मैंने कहा सारे के सारे मसाले जो है ना मैं इसके अंदर डाल देती हूँ, आपसे शेयर भी कर लेती हूँ। 1 teaspoon मैंने नमक ऐड किया इसके अंदर, 1 teaspoon नमक और 1 teaspoon में जीरा पाउडर था मेरे पास, मैंने वो ऐड कर लिया। इसी तरह 1 teaspoon इसमें धनिया पाउडर भी था, 1 teaspoon ब्लैक पेपर, मैंने सारे मसाले जो ना 1 teaspoon लिए हैं, क्योंकि ये नॉर्मल है कॉन्सिस्टेंसी ना, इससे ना तो इतना आपका हाई स्पाइसेस हो जाएंगे ना इतनी लो होंगी, नॉर्मल होंगी। और 1 teaspoon मैंने इसमें चाट मसाला भी ऐड किया और 1 teaspoon लास्ट में गरम मसाला पाउडर। तो सारे मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। देन इसके बाद मैंने क्या किया है, इसके अंदर 2 tablespoon जो है हमारा कॉर्नफ्लोर भी जाएगा, क्योंकि कॉर्नफ्लोर जो है ना वो बाइंडिंग एजेंट है, उससे बहुत अच्छी इसमें बाइंडिंग हो जाएगी, इसलिए कॉर्नफ्लोर 2 tablespoon इसमें आपने लाजमी ऐड कर लिया। देन उसके बाद मैंने इसके बाद 3 tablespoon मेरे पास दही मौजूद था, मैंने इसके अंदर 2 tablespoon दही भी ऐड किया और सबसे लास्ट में 2 tablespoon मेरे पास क्रीम यूज़ थी। क्रीम आप कोई भी ले सकते हैं, हलीम की क्रीम या ऑल्पर की क्रीम जो आप मतलब नॉर्मल क्रीम जो होती है तो वो जो है ना आप ले सकते हैं, वो मैंने 2 tablespoon मैंने क्रीम पड़ी हुई थी तो मैंने 2 tablespoon क्रीम भी इसमें ऐड की। मैंने कहा कि चलो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि खतीजा ऑन जाए भी बहुत शौक से जो है ना ये मलाई टिक्का बोटी खा लेते हैं, तो मैंने कहा चलो सभी शौक से खा लेते हैं, आज मैं ये डिनर में बना लेती हूँ। तो उसके बाद हर सब कुछ ना अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है, पूरे चिकन को अच्छे तरीके से हमने क्या करना है मैरिनेट कर लेना है। ताकि जितने मसाले वगैरह हमने ऐड किए हैं ना वो सारे अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो जाएं। ये देखें
मैंने अच्छे से इसकी मैरिनेशन कर ली है, और उसके बाद हम इसको 15 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसको जो है ना हल्की आंच में पकाएंगे। ठीक, तो अब मैंने कहा मैं पैन में जो है ना इस मसाले को थोड़ा फ्राई कर लूँ, एंड थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मैंने जो है ना ऑयल डाला है, और इसके बाद मैंने जो है बटर थोड़ा मैंने ना इसके अंदर ऐड कर दिया, 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर बटर ऐड किया। आप चाहें तो, अगर आपके पास बटर नहीं मौजूद तो आप चाहें तो सिर्फ ऑयल में भी इसको बना सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। और वैसे ये है कि अगर बटर होगा तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि मलाई टिक्का बोटी हम बना रहे हैं ना, तो मलाई टिक्का बोटी में बटर का फ्लेवर आना चाहिए। ज़ाहिर है बटर का फ्लेवर आएगा तो आपका जो है ना बोटियाँ भी अच्छी बनेंगी, तो इसलिए मैंने इसमें बटर ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने सारे मैरिनेशन वाले जो उसमें है ना कभी उल्टा कर मैरिनेट किया हुआ था ना, और मैंने सारा मीट इसमें डाल के थोड़ा फैला देना। इस तरह मैंने मीट इसके अंदर डाला है, डाल के इसको अच्छी तरह मैंने फैला दिया है। अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम में तकरीबन 15 से 20 मिनट तक ज़्यादा हम इसको मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई करेंगे, ताकि इसका अच्छे से मॉइस्चराइज़र हो जाए, क्योंकि हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है ना, तो इसको अच्छे से हीट लगनी चाहिए और इसका मॉइस्चर ड्राई हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि दही और जो कुछ मसाले मैंने डाले हैं ना तो पानी छोड़ते हैं, तो इसलिए इसका मॉइस्चर ड्राई होने के लिए मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखा है हल्की आँच पर। जो थोड़ा सा ड्राई हो गया है तो हमने इसको जो ना थोड़ी सी देर हिलाकर, और बोटियाँ भी थोड़ी सी ब्राउन हो गई हैं, हमने इसको थोड़ी देर के लिए और कवर 5 मिनट के लिए कर देना है। अब एक पैन लेना है, उसमें हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है 2 ड्रॉप्स, और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून बटर की डाल देनी है। उसके बाद हम इसमें ग्रीन चिल्ली और जो धनिया मेरे पास था ना चॉप किया, वो थोड़ा पड़ा वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर क्या डाला है, मेन पर जो मसाले थे ना, नमक, काली मिर्च और चाट मसाला, वो इसके अंदर 1 टेबल स्पून ऐड किया है। और फिर मेरे पास 1 टेबल स्पून मायोनीज थी, मैंने वो 1 टेबल स्पून मायोनीज भी आपने इसमें ऐड करनी है। और उसके बाद 4 से 5 टेबल स्पून क्रीम ऐड करने हैं, और क्रीम कोई भी ले सकते हैं, हलीब क्रीम या ऑलिव क्रीम या जो भी आपके घर में नॉर्मल क्रीम मौजूद हो ना, अब वो क्रीम इसके अंदर ऐड करके इसका अच्छा सा जो है ना चटनी बना लेंगे, मिक्स करके इसकी अच्छी सी हमने चटनी जो है ना बना लेंगे। देखें हमारा सारा मॉइस्चर ड्राई हो गया है, और कितना प्यारा गोल्डन गोल्डन जो ना कलर आ गया है। अभी हमारी जो बोटियाँ ना वो अच्छे से तैयार हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, पानी मैंने ये चटनी बनाई थी ना, ये मैंने इसके अंदर मिक्स की, किसी भी चीज़ के अंदर चारकोल डाल के इसको हमने बस चारकोल का टच देना 2 मिनट के लिए। तो जी ये रही हमारी मलाई बोटी की फाइनल लुक, ये आप देख सकते हैं कितनी यम्मी, कितनी डिलीशियस, और कितनी जो है ना वो ब्राउन कितना प्यारा सा कलर आया है, और ये कितनी अच्छी इसकी जो है ना लुक हो गई, और ये इतनी अच्छी देखने में लग रही है ना। और वाकई में जब सबने खाई थी ना तो इसकी इतनी तारीफ़ की थी, इतनी तारीफ़ की थी क्योंकि सबने सबको बहुत पसंद आई थी। तो ये आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, लाजमी ट्राई कीजिएगा, इतनी ईजी सी सिंपल सी रेसिपी है, और मैंने आप सबके साथ सब कुछ शेयर किया है, तो आप उसमें लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि न्यू रेसिपीज़ और न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।